इनको मैं रोज देता हूँ। आया सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज मुकुल सिंगोरा एके एमएस ब्रो। सो कैसे हैं आप? चलो आई होप सारे बढ़िया होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ एज यू कैन सी। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था मैं हफ्ते में 2 से 3 व्लॉग लेके आऊँगा। तो एंड गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:10 हो रहे हैं और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो अभी मैं ब्रश करूँगा, रेडी होऊंगा, उसके बाद यहाँ से जिम जाऊँगा। सो गाइस, ऐसे स्टे ट्यून्ड रहना और अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रश वश करता हूँ, उसके बाद मेरे को जिम निकलना है। मिलते हैं आगे। बाहर का मौसम देखो अभी कैसा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है अभी तो फिलहाल। तो गाइस, ये मोस्टली मेरी टाइमिंग होती है रोज की, मैं 5:30 तक उठ जाता हूँ और 6 बजे तक जिम पहुँच जाता हूँ, ये रोज़ का रूटीन है मेरा। तो अभी रेडी होते हैं जिम के लिए और चलते हैं। टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है, 6:10 है। इस टाइम पे गाइस जिम खाली रहता है पूरा, 6 बजे जब मैं आता हूँ कोई भी नहीं होता है, 6:30-7 बजे तक सब आ जाते हैं और तब तक मेरी आधी जिम हो चुकी होती है, खाली भी होती है तो सही रहता है। तो अब जिम करते हैं स्टार्ट और आज चेस्ट डे है तो चेस्ट वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस इन्हें देखो, जब भी मैं घर पे आ दूँ ना तो ये दोनों के दोनों आ जाते हैं और इनको मैं रोज देता हूँ। आया क्या खाएगा बता, क्या खाएगा? वही रोटी, ब्रेड खाएगा, ब्रेड खाएगा। वैसे तो तू आता नहीं है। हाँ भी ओए दर्द, वैसे तो तू आता नहीं है खाने के लिए, आता है सिर्फ है। सो गाइस, मैं घर पर तो आ चुका हूँ, अब पहले फ्रेश होने से पहले मैं इन दोनों को ब्रेड और दूध दूंगा। ये अपना रोज का है। क्यों भाई, क्यों रोज का अपना? हाँ मिल गया ही ब्रेड और दूध, खाओ। दिखाएगा तेरे तो नखरे ज्यादा होते हैं। गाइस जो है ना, ये इस वाले की माँ है और ये इसका बेटा है। इसके तो बहुत सारे बच्चे थे लेकिन मर गए, गाड़ी के नीचे दबके एक आधे तो यहीं पर ही मरे हैं। उसी लिखा था 2 बार बच्चे हुए थे इसके, और जो ये पहले वाली के टाइम पे हुआ था, जब पहली बार में हुआ था उसमें से सिर्फ यही बचा था, और जब दूसरी बार वाला बच्चा हुआ मतलब बच्चे हुए दूसरे टाइम पर वो सारे मर गए, उसमें से भी कोई नहीं बचा। ये फर्स्ट टाइम पर सिर्फ यही एक बचा था, इकलौता। ये तो इसके बहुत सारे बच्चे होते इस वाली के, बस ये 2 ही हैं अब। देखो अभी उन्होंने खा लिया है, अब मैं गेट खोलूंगा, ये खुद ही चले जाएंगे बाहर, अपने आप ही चले आते हैं, खाए पिए खिसको। हाँ भाई। सो गाइस, ये मेरे वर्कआउट के बाद का ब्रेकफास्ट है, ये वो जैसे मैंने बताया था, पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड और ये दूध। सो इसे खाते हैं पहले। गाइस मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ,
जो सोच रहा होगा वीडियो देख रहा होगा कि इसने जिम की वीडियो तो डाली नहीं, मतलब दो तीन शॉर्ट्स डाल दिए तो हो गया। तो गाइस ऐसा नहीं है, उसका सीन ऐसा है कि जब मैं प्रॉपर पूरी जिम की वीडियो डालूंगा ना, तब मैं पूरा डालूंगा वहाँ से, जब सिर्फ जिम जिम का ही होगा उसमें। अभी तो मेरा जिम का भी है, घर का भी है, बाहर का भी, हर चीज़ मतलब सब चीज़ है। अब मैं सिर्फ वही डालूंगा, उसके साथ पूरा डालूंगा तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से मैं पूरी वीडियो डाली। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि मैं अकेला करता हूँ जिम, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं करता, मैं अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ। और वहाँ पर जो बंदे करते भी हैं जिम, तो उनका ये सीन है, अब मैं बार बार उनको उठा के तो यूँ ही बोलूंगा नहीं कि भाई इधर आ, मेरी वीडियो बना, मेरी वीडियो बना, तो वो अच्छा नहीं लगता है बार बार। अब वो अपना वर्कआउट करेंगे या मेरी वीडियो बनाएंगे, तो ये सीन है। इसलिए जब कोई फ्री दिखता है मुझे तो एक आधी वीडियो में उनसे शॉर्ट बनाने के लिए बोलता हूँ कि भाई थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे, तो इतना हर कोई कर देता है। तो ये सीन है, जब मैं पूरी प्रॉपर जिम से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा तब मैं पूरा डालूंगा। तो ऐसा है सीन है, तो उसको ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना ही जिम करा, इतना ही दिखाया, ये है, तो उसके पीछे ये रीज़न है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी ड्राइंग वगैरह आर्ट अपना दोबारा स्टार्ट करूँगा, और जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था, एक कलर शीट पे मैंने एक कृष्णा की ड्राइंग बनाई थी वाइट कलर से, ठीक है, कलर शीट पे मैंने पर्पल कलर की शीट थी उसमें देखा होगा आपने, उसमें व्हाइट कलर बनाया। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कलर की शीट मंगाऊँ, वो एक बारी में उसमें 20 या 30 पैक आते हैं शीट के। तो अब मैं सोच रहा हूँ उन ब्लैक शीट पर बनाया करूँगा, और उसके लिए मैं वाइट ऑयल पेस्टल या वाइट पेन या वाइट करेक्शन पेन जो भी होता है वो लेने की सोच रहा हूँ। अब उसमें सिर्फ ब्लैक, उसमें सिर्फ वाइट, उससे ड्राइंग बनाने की सोच रहा हूँ मैं। और मैंने ऐसी कलर शीट पे और भी बना रही थी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, मेरे पास पड़ी हुई है, दो तीन मैंने बनाई हुई, शायद आपने देखी होगी पहले मेरे इसमें। तो ये है वो कुछ, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। फिर मैंने ऐसी बनाई थी ऑयल पेस्टल से, और उसमें पेंसिल कलर यूज़ कर रखे हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि ना ब्लैक कलर की शीट लेके उसमें वाइट कलर से बनाऊँ, तो आई थिंक वो ज़्यादा कूल लगेगा, ऑसम लगेगा, और उसमें मैं खुद के लिए फ्रेम भी लगा सकता हूँ। और तो मैं इस बार ऐसा सोच रहा हूँ ड्राइंग में कुछ अलग करने का। अभी मैं देखूंगा ऑनलाइन, जब ये सब आ जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा भी, और फिर उसको बना के मैं उसका ब्लॉग भी डालूंगा। इसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ और नहीं कार के लिए, जैसे कि जब मैं कार गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो मुझे जब कुछ बोलना है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है या व्यू दिखाना होता है, कुछ वैसे चीज़ें बोलनी होती हैं, तो मैं ऐसे ड्राइव करते करते कार से पकड़ नहीं सकता, तो काफ़ी रिस्की होता है वो। पकड़ तो लूँगा बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कार फोन होल्डर मुझे लेना है वो। अब जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जो सामने मेरे इधर लेफ्ट साइड पे बैठा है उसको वीडियो बनानी होती है, फिर मैं या तो गाड़ी चलाऊँ या उसको देखूँ गाड़ी चलाऊँ, हो जाता है। बट काफ़ी ना ये मामला काफ़ी रिस्की हो जाती है, करने को सब चीज़ आती है, सब पॉसिबल है, बट स्टिल वो बहुत रिस्की आता है, तो उस चीज़ का रिस्क नहीं लेते हैं। भाई बारिश स्टार्ट होने वाली है, बादल देखो ऊपर कितने घने काले हो रहे हैं, कल भी बारिश हुई थी और आज सुबह भी हुई थी थोड़ी थोड़ी, फिर वापस स्टार्ट हो गया, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी बारिश आना। लंच टाइम हो चुका है और ये प्याज, ये मैं रोज़ खाता हूँ हमेशा दाल में डाल के। कौन सी दाल है मम्मी? ये घिया चना। घिया चना तो गैस मैं तो खाता हूँ सिर्फ रोटी, और ये बाकी तीनों खाते हैं चावल चावल, मैं सिर्फ रोटी प्रेफर करता हूँ, बस डाइट वाला सीन है अपना कुछ। इसमें भी काट देना। गाइस मैं जैसे अभी लंच करके अंदर वाले रूम में आया ही था, और बाहर जैसे मैंने बोला था बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है बाहर, अभी दिखाऊंगा। एंड मैं अंदर वाले रूम में आया लंच करके, और मम्मी पापा ने भी कर लिया लंच करते ही, देखो मैं दिखाता हूँ भी। ये देखो फोन पे लगे हो, ये देखो वीडियो, मम्मी का तो अलग ही चलता है, सीआईडी चल रहा है, मम्मी सीआईडी देखती है, वीडियो ब्लॉग देखते कभी, और वो देखो उनका उधर, मैं यहाँ से दिख छुप के छुप के, ये देखो बाहर, इनके भी अलग ही ब्लॉग देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं। और देखो गाइस बाहर हो रही है बारिश, जैसे भाई मैंने कहा था, दिखेगा नहीं इसमें बट हो रही है। तो मैं भी आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक टाइम था जब हम
कुछ भी कर रहे होते थे, काम वगैरह है कुछ भी, तो मोस्टली हम फ़ोन पे ही लगे रहते थे। जैसे खाना खा रहे तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, पढ़ रहे तो फ़ोन पे लगे हुए हैं, या मतलब कुछ भी होता था तो फ़ोन, पहले फ़ोन ही होता था हाथ पे। और घर वाले क्या बोलते थे, काम कर लेना, खाना खा लेना, फ़ोन पे भी लगा हुआ है। और आज देख लो वही हो रहा है। एक मम्मी मम्मी और पापा एक दूसरे को बुलाते भी ना कि ये कर वो कर, इधर आओ ये वो, तो भाई सुनता नहीं है कोई, कानों में लीड ठूसी रहती है, कोई सुनता नहीं है। एक टाइम पे हमें डांटते थे कि फ़ोन क्यों ऐसे ही हो रहा है, फ़ोन क्यों ऐसे हो, आजकल के टाइम पे देख लो क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है आजकल का सीन, ये दिखा रहा था बस मैं आपको। गाइस मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहता हूँ, जैसे कि आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, एंटरटेनिंग नहीं हो रहा हो कुछ। मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, मैं भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या है कि अभी मेरा स्टार्टिंग है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि मतलब कैसे क्या है ये वो। बस मोस्टली मैंने लोगों की व्लॉग वगैरह देखे हैं, मोस्टली कि जॉइंट फैमिलीज होती हैं या उनके घर पे मतलब सब होता है एंटरटेनमेंट, किसी घर पे पैट्स होते हैं, कुत्ते वगैरह सब, तो काफ़ी एंटरटेन रहता है उसमें, काफ़ी वीडियो पूरा निकल जाता है। तो मुझे भी, मुझे मतलब ऐसा नहीं चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि घर में हम चार ही जने हैं, उसमें क्या एंटरटेनमेंट हो क्या नहीं हो, मतलब वही चीज़ें मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे करके। बट मैं करूँगा इस चीज़ को और पूरी हद तक करने की कोशिश करूँगा। होता तो बेशक बल्कि पूरा हार्ड है, ब्लॉग बनाना ईजी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था कि डेली ब्लॉग में 2-3 हफ्ते के अंदर 2-3 वीडियोज़ में डाल दिया करूँगा, तो वो भी ईजी नहीं है, काफ़ी मुश्किल होता है। बाहर जाके ब्लॉग्स बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बाहर जाके ब्लॉग बनाना, एक्सप्लोर करना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन घर पर रह रह के ब्लॉग बनाना काफ़ी हार्ड होता है, ये मेरे को पता चल चुका है। और मैं इसी चीज़ के ऊपर काम करूँगा और इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा। सो बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर कि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, आप सपोर्ट करेंगे, वीडियोस लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो नए व्यूअर्स हैं, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं मोटिवेट भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग चाहते हैं ये ऐसा। सो गाइस बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे पता है मज़ा नहीं आ रहा होगा बट स्टिल मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस सपोर्ट करना गाइस आप। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों में, फ्रेंड्स फैमिली सब में करना। और जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी, मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ उस चीज़ से कि और बनाऊँ और बनाऊँ और बनाऊँ करके। सो बस मैं यही चाहता हूँ और आपको एंटरटेनमेंट करता रहूँगा आगे आगे भी, कल भी, फ्यूचर में, हर टाइम। सो बस यही था इस वीडियो में और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, पीस आउट गाइस।